हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट का ई पार्ट भी बोलते हैं हम, और कई बुक्स में ये डी पार्ट में भी दिया होगा कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका कैपेसिटर, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, समझ रहे हो। कैपेसिटर जो आपने देखा होगा, कैपेसिटर वो एक डिवाइस है, उसको हम डिवाइस बोलेंगे जो कि चार्ज को स्टोर करता है, समझ रहे हो। अब चार्ज को जो स्टोर करता है, ये आपने देखा होगा जैसे आपके जो फैंस वगैरह हैं, ठीक है, उनमें लगा होता है ऊपर, देखना आप फैन के ऊपर वाइट कलर में होता है, ठीक है। इस तरह के कई टाइप के होते हैं कैपेसिटर, तो ठीक है उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। कैपेसिटर आपने देखा हुआ है जो आपके फ़ैन में लगा होता है। अगर जैसे कभी आपका फ़ैन ख़राब हुआ हो, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाले होते हैं, ठीक है, ये आते हैं आपके घर पे, तो आपने देखा होगा कि वो ये बोलेंगे आपको, अगर जैसे फ़ैन में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले वो उसका कैपेसिटर चेक करते हैं, ठीक है। और वो उसको बोलते हैं कंडेंसर ख़राब हो गया इसका, क्या बोलते हैं वो, कंडेंसर वर्ड यूज़ करते हैं, तो कंडेंसर भी बोलते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, कंडेंसर कैपेसिटर ही होता है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में इसको कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंडेंसर भी कैपेसिटर है, ये मेरे को आपको बताना था, ठीक। बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है, जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है, जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, समझ रहे हो। कैपेसिटेंस वैल्यू है कैपेसिटर की। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि एक कैपेसिटर लेके आओ 0.2 माइक्रो फेरेड का, ठीक है, फेरेड इसका ऐसा यूनिट होता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं हम, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, इसकी डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटेंस हम निकालते कैसे हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। नहीं पता तो अब पता हो जाना चाहिए, ठीक है। चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, मतलब जितना आप चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल डेवलप होता है, या फिर ऐसा कह लो कि जितना आप पोटेंशियल दोगे उतना चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल देते हैं उतना चार्ज आता है, या जितना चार्ज देते हैं उतना पोटेंशियल डेवलप होता है, क्लियर है बात। अब देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, वो आ जाएगा C। क्या आएगा वो, C कैपेसिटेंस, क्या आएगा, कैपेसिटेंस, क्लियर बात। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर C इज कैपेसिटेंस, और ये क्या कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टर होता है वो डिवाइस हो गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपको 10th में याद है, ओम्स लॉ होता था, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता था वो किस तरीके से बनता था, याद है, हम ऐसे कहते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, करंट पे होता है। तो वहीं से मैंने ये लिया कि ये चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आई आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ जल्दी से, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है, ठीक है ना। तो जैसे आई की जो वैल्यू होती है Q/T होती है, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वहाँ से लिया कि ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा जब हमने ओम्स लॉ किया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के RI आ गया था, और वहाँ से R की वैल्यू आई थी V/I, याद है 10th का कुछ थोड़ा बहुत। तो ये R क्या था, रेजिस्टेंस आया था, और ये कांस्टेंट होता है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई चीज़ आती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब जैसे आप मान लो कोई रेजिस्टेंस लेके आए, या कोई कैपेसिटर लेके आए, ठीक है, मार्केट से, और उसने कहा ये इतने रेटिंग का है, रेटिंग बोलते हैं बेसिकली इसको, कि 0.2 माइक्रो फेरेड का है जैसे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये उसने कहा कि इतने फेरेड का है, तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हो उस डिवाइस में, नहीं चेंज कर पाओगे ना, तो वो कांस्टेंट हो गया उस टाइम के लिए, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू देखो निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, Q/V आ जाएगी, क्लियर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू में Q/V, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है, Q/V। तो ये याद रखना है आपको फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का चार्ज अपॉन में पोटेंशियल है। अब देखो, इसी चीज़ से हमने ये डेफिनेशन बनाई, अब पढ़ो डेफिनेशन क्या कहती है। कहता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द रेशो, रेशो क्यों है, देखो Q/V है तो रेशो होती है ये, एज द रेशो ऑफ चार्ज, एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, टू द
पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर. देखो चार्ज टू द पोटेंशियल यही लिख रखा है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, चार्ज टू द पोटेंशियल. ये तो बीच में ये लाइन आ गई ना, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, ठीक है कंडक्टर को दे रहे हैं, टू द मेन ये बात है, टू द पोटेंशियल, टू द पोटेंशियल ये मेन बात है. उसके बाद तो ये लिख रखा है डेवलप्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में जो डेवलप हो रही है. बात आ रही है समझ में या नहीं? ईजी है बहुत, ठीक है समझ में आ रही होंगी चीज़ें क्या हो रही हैं. ठीक है तो कैपेसिटेंस में जो हमारे पास कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. ठीक है और इससे हम एक और डेफिनेशन ला सकते हैं कि कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस हमें कैपेसिटर की एबिलिटी बताता है टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, कितनी एबिलिटी है उसकी चार्ज को स्टोर करने के लिए. सीधी सी बात है वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा. क्लियर है इतनी कहानी, मतलब कितना ताकतवर है, सीधी सी बात है इस हिसाब से. ठीक इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा? अभी बताया मैंने फेरेड, क्या होते हैं फेरेड, फेरेड और इसको हम F से भी लिखते हैं इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखा था F. ठीक है कैपेसिटेंस फेरेड में होते हैं, ठीक है SI यूनिट फेरेड होंगे. और अगर इस फॉर्मूले से देखें, इस फॉर्मूले से तो अलग बन रहे होंगे, वो क्या हो रहे होंगे, कूलम इसका हो गया चार्ज का और वोल्ट का, सॉरी ये पोटेंशियल का वोल्ट हो गया, तो कूलम पर वोल्ट भी इसके SI यूनिट होते हैं. क्लियर. दूसरी मेन बात क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आप लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्लियर. अब कई बार वन मार्क में ये पूछ लेते हैं आपसे कि वन फेरेड की वैल्यू, वन फेरेड को एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो वन फेरेड को. ठीक है तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो सी की वैल्यू यहाँ वन फेरेड लिखते हैं, ठीक, और चार्ज की वन कूलम लिखते हैं और पोटेंशियल को वन वोल्ट लिखते हैं, सीधी सी बात है. ठीक है तभी वन फेरेड आएगा, वन कूलम का चार्ज और वन वोल्ट का पोटेंशियल. ठीक है तो इस वन फेरेड को हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये वन फेरेड की है, वन फेरेड. कई बार पूछ लेते हैं वन फेरेड बताओ क्या होता है. ठीक है तो देखो यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी, इस फॉर्मूले से देखो क्या लिखी हुई है, कैपेसिटेंस इज सेट टू बी ऑफ वन फेरेड, कैपेसिटेंस इज सेट टू बी ऑफ वन फेरेड कब होगा, इफ ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट, अगर हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल कितना वन वोल्ट का और चार्ज कितना डेवलप होगा उसमें वन कूलम का, इज स्टोर्ड ऑन इट. क्लियर है बात इतनी. ठीक है या तो पोटेंशियल दे के चार्ज स्टोर करा लो या चार्ज दे के पोटेंशियल डेवलप करा लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें. ठीक है तो यहाँ पर जैसे ऊपर जो डेफिनेशन में हमने बोला था वो क्या बोला था, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर, समझ रहे हो. और यहाँ क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर अप्लाई किया है पोटेंशियल और चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है. ठीक है तो एक ही बात है. क्लियर है कहानी, ये डेफिनेशन समझ में आई. तो वन फेरेड या वन कूलम इस तरह की जितने भी चीज़ें होती हैं आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उनका, और जो भी फॉर्मूला होगा उसमें बस वन वन पुट करना और वहीं से आपने इसको डेफिनेशन में ले आना है, बहुत सिंपल होता है. ठीक है क्लियर है तो ये ध्यान में रहेगा वन फेरेड क्या होता है. क्लियर तो इसको देख लेना अच्छे से. ठीक ओके थैंक यू.